हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट टू केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर का, जो कि पार्ट वन आपने पढ़ा होगा। उसमें हमने रिएक्शन बैलेंस करना, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, ये सब हमने पढ़ा है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की जो टाइप्स की हम बात करते हैं, तो बेसिकली फोर टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, जो मैंने बोर्ड पे ऊपर लिख रखे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा 8-10 टाइप और होते हैं, पर जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कम्बक्शन रिएक्शन, सो मेनी टाइप्स हैं। पर ये बाकी इन चार के अलावा बाकी जितने भी टाइप होते हैं रिएक्शन के फॉल अंडर दिस कैटेगरी, मतलब ये चारों के अंदर ही वो आते हैं, कैसे भी घुमा फिरा के। तो मेन बेसिक जो टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के, वो फोर टाइप होते हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहां पर कुछ क्या होने वाला है, कंबाइन होने वाला है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर कोई चीज कंबाइन हो जाए और नई चीज बन जाए, तो वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। देखो, मैंने यहां पर इसका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है कि ए प्लस बी, ए कंबाइन हुआ बी से और क्या बन गया, ए बी। तो यहां पर क्या हुआ, ए और बी का कॉम्बिनेशन हुआ ए बी। इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक छोटू है, उसका फ्रेंड मोटू है, दोनों में दोस्ती बढ़ी और दोनों कंबाइन हुए, तो छोटू मोटू जिगरी दोस्त बन गए। तो वहां पर क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन हुआ, दोनों मिलकर एक दोस्त, दोनों मिलकर बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो वो क्या हुआ, एक तरह से कॉम्बिनेशन हुआ। तो वो भी आप ऐसे याद रखने के लिए रख सकते हो, तो वो क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सी बनेगी, जब यहां पर क्या हो रहा है, दो केमिकल कंबाइन हो रहे हैं। When two chemical species combine together to form a new chemical species is called combination reaction. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपको हमेशा डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आप डेफिनेशन मन से भी बना सकते हो। तो कोशिश करो कि अगर कोई डेफिनेशन में ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, छोटी डेफिनेशन है, तो उसको मन से बनाओ, तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा कम चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो when two chemical species combine together to produce single compound is called combination or synthesis reaction. तो ये मैं यहाँ पर मैंने कुछ example ले रखे हैं इस combination और synthesis reaction के, तो वो देख लीजिए। यह है calcium oxide, जिसको हम बोलते हैं quicklime, और ये water, जो कि ये calcium oxide जो होगा ये solid form में है, water क्या है, liquid form में है। तो ये आपस में रिएक्ट हुए, तो इससे क्या बना, स्लैक लाइम बना, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो केमिकल स्पीसीज आपको नजर आ रही होंगी, एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा वाटर, दोनों आपस में कंबाइन हुए और क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड स्लैक लाइम, ये फॉर्म हुआ। तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, जो मैंने नीचे लिखी है, जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये भी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए तो क्या फॉर्म होगा, वाटर H2O, दैट इज, मैंने हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल दिया, एक ही बात है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुए और क्या बन गया, वाटर फॉर्म हुआ। ये क्या है, एक तरह की कौन सी रिएक्शन हुई, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। यहां पर भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया है। नीचे एक और टाइप दिया है मैंने, ये तो मैंने आपको डिस्कस करवाया था पिछले पार्ट में एक्टिविटी में, यहां पर मैग्नीशियम जो है रिबन ली थी हमने, उसको बर्न किया था, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पर भी क्या फॉर्म हुआ, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। देखो बेटा, ब्रैकेट में आप ये लिखा हुआ है G4 गैस, यहां पर लिक्विड, तो ये आपको इस तरीके से लिखना होता है कई बार। तो कोशिश किया करो कि अगर आपको स्टेट पता है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, तो उसको मेंशन कर दिया करो, और अच्छा इंप्रेशन जाता है और मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं रहेंगे उससे आपके। थर्ड रिएक्शन लिखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, यहां पर भी टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर फॉर्म सिंगल कंपाउंड। तो ये भी क्या है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अब सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना है क्या होता है, टूटना। अब जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था, जो दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, पर यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो गया, दुश्मनी हो गई, तो दोनों क्या हुए, अलग अलग हो गए। ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, बोला कि हमारी नहीं बनेगी, तो हम क्या होंगे, अब अपने तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो इस तरीके से जब कोई दो चीज़ें जो कंबाइन होती हैं, टूट कर अलग अलग हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, सिंपल सी, सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस टू और मोर न्यू कंपाउंड। एक सिंगल कंपाउंड टूटकर दो नए कंपाउंड बना दे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। तो इसके एग्जांपल भी मैंने दे रखे हैं यहाँ पर बोर्ड पे, देखिए बेटा, वाटर अगर डिकम्पोज होगा, देखो यहाँ पर ये रिएक्शन थी वाटर वाली, इसको बस उल्टा रिवर्स कर दिया है, वाटर को डिकम्पोज किया तो क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म हुआ। एक और रिएक्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्वस फॉर्म में, मींस वाटर में डिजोल्व, एक्वा का मतलब वाटर में डिजोल्व होता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज हुआ वाटर में एंड ऑक्सीजन में, तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन हो गया। यहाँ पर दिया है कॉपर कार्बोनेट, ये डिकम्पोज हुआ कॉपर ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। इसके अलावा अमोनिया, अमोनिया डिकम्पोज हो गया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में, तो ये सारे क्या आपके एग्जांपल थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल थे। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, थर्ड टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर क्या हुआ, एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब अपनी जगह से हिला देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सी जो है यहाँ पर आया और इसमें ए और बी में से जो कम रिएक्टिव है उसको वो क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। सपोज बी कम रिएक्टिव है तो बी को हटा दिया और ए ने उसकी जगह ली, ए के साथ वो खुद जुड़ गया, तो क्या बन गया, ए सी प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए क्या है, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ लिखा मैंने डिस्क्रिप्शन में, एलिमेंट एंड आयन मूव्स आउट ऑफ वन कंपाउंड इनटू अनदर, मतलब कोई भी आयन एलिमेंट एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चला जाए, मतलब उसने जगह चेंज कर ली, तो क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपनी पोजिशन चेंज करना, तो यहाँ पर क्या हुई है, केवल पोजिशन चेंज हुई है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए लिखे हैं यहाँ पर रिएक्शन के, तो देखिए ये रहा, एक जो रिएक्शन होती है, दैट इज जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो ये रिएक्शन जनरली जो होती है वो सारी मैंने लिख रखी हैं, दैट इज कॉल्ड, वो सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। तो ये देखिए ये बेटा, ये क्या है हमारा मेटल है, ये क्या है मेटल, इस मेटल की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, एसिड के साथ करवाई, तो क्या हुआ, देखिए Mg गया, इसने किसको बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और खुद उसके साथ जुड़ के मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म किया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। सेकंड टाइप में देखते हैं, यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में वो भी सेम है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन जाएगा अगेन हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद उसकी जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर HCl प्लस जिंक, यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन, जो यहाँ पर जो क्लोरीन होगा वो जिंक के साथ चला जाए, यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से, ये भी मेटल है और ये क्या है, एसिड है, और जिंक क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लास्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है, लेड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म लेड सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या हुआ, लेड गया, इसने हाइड्रोजन को अगेन हटा दिया क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी है इसमें, तो क्या बन गया, लेड सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से ये सारे जो एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होते हैं। कई आप में से कई लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि आप लोगों को फॉर्मूले नहीं समझ में आते, आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है, तो इसके दो तरीके हैं। मेरे क्लास 9 का जो मेरा जो वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि रिएक्शन को कैसे, किसी भी कंपाउंड को कैसे बनाया जाता है, किसी फॉर्मूले को कैसे हम बना सकते हैं,
एक वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप कुछ बेसिक फॉर्मूलेज लगभग 30 के लगभग आप उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो बार बार यूज़ होंगे। आपको थोड़ा अगर फास्ट चीज़ों को सोचना है, फास्ट सॉल्व करना है, तो आप बनाओगे तब तक टाइम लगेगा। उससे अच्छा आपको बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं वो लर्न होने चाहिए, पर वो तरीका भी आना चाहिए। कई बार बाई चांस आप भूल गए तो आप उससे फॉर्म कर सको। तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को जिसमें मैं बताऊँगा कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। अब लास्ट टाइप पे आते हैं केमिकल रिएक्शन का। जो लास्ट टाइप है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, यहाँ दो दो एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इसलिए इसको हम कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या चल रही है, अदला बदली। यहाँ से क्या होगा, देखिए ये सी इधर आ गया और बी इधर चला गया, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन किसके बीच में हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के बीच में, फर्स्ट रिएक्टेंट ए बी, सेकेंड रिएक्टेंट सी डी, इनके बीच में क्या हुए, आयन्स एक्सचेंज हुए, और इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आता है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो सारे एग्जाम्पल देखो, ये एसिड, ये बेस, एसिड यहाँ पर कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में रिएक्ट किए और इन्होंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, और तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट एंड वाटर। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज ये क्या है, अगेन एसिड है, इसने रिएक्शन किसके साथ की, सोडियम क्लोराइड के साथ, ये सॉरी ये वो वाला नहीं है, ये एग्जाम्पल किसका कहेंगे हम, ये न्यूट्रलाइजेशन का नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें एसिड रिएक्ट विद सॉल्ट, तो यहाँ पर कुछ फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, वो देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये Na जो है इधर चला जाएगा और Ag इधर चला जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3 Na सोडियम नाइट्रेट, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो ये देखिए यहाँ पर आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन जो Fe जो होगा इधर चला जाएगा, H इधर चला जाएगा, तो इस तरीके से दोनों आयन्स के बीच में, दोनों रिएक्टेंट के बीच में क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ और क्या फॉर्म हुआ, ये आयरन क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म हुआ। लास्ट टाइप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये लास्ट टाइप तो नहीं है, हमारे फोर टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स आपको पढ़ने हैं जो कि इन्हीं का बेसिकली पार्ट है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन होती है, उसको थोड़ा देख लेते हैं होती क्या है। क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, नहीं पढ़ा है तो समझ लो अच्छे से। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, यही जो रिएक्शन होती है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए एसिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बेस बेसिक होता है, और इनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट सॉल्ट बन रहे हैं वो कैसे हैं, न्यूट्रल है, तो ये रिएक्शन कैसी है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड के अंदर कौन से आयन होते हैं, H प्लस आयन होते हैं, ये वाले आयन, और बेस के अंदर कौन से आयन होते हैं, OH माइनस आयन। तो कोई भी एसिड, एसिड कैसे बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हमारा जो एसिड बेस है, पर अभी थोड़ा सा समझ के लिए बता देता हूँ, कोई एसिड उतना जितना, कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है इसको हम कैसे बता सकते हैं कि उसमें कितने H प्लस आयन है, या फिर कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है तो हम कैसे बताएंगे कि उसमें कितने OH माइनस आयन है। तो जब एसिड में H प्लस आयन होते हैं, बेस में OH माइनस आयन होते हैं, इसी तरीके से क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो अब इसमें हुआ क्या, ये H प्लस आयन जो होंगे वो अपना चार्ज लूज कर देंगे इस रिएक्शन के दौरान, और बेस आयन जो होते हैं उसमें जो OH माइनस होगा बेस आयन, वो भी अपना चार्ज लूज कर देंगे। जब H प्लस आयन भी अपना चार्ज लूज कर देंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, बेस में जो प्रेजेंट OH माइनस आयन है वो भी अपना चार्ज लूज कर देगा, तो बेसिक वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म होगा।
दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं, अब हम रिएक्शन का टाइप देखते हैं। एक और रिएक्शन का टाइप है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसको समझने के लिए हम इनके नाम से ही समझ सकते हैं क्या होती हैं। एंडो का मतलब होता है बेटा इनसाइड, और यहां पर दूसरा वर्ड है एक्सो, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। नाम से ये समझ में आ गया होगा, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट अंदर आती हो, मतलब जिसमें हीट क्या होती हो, एब्जॉर्ब होती हो, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती हो यानी आउटसाइड निकलती हो, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखो मैंने लिख रखी है, वो पढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट इज नोन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ में क्या होती है हीट, हीट क्या होती है रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जब हम कोई भी रिएक्शन करेंगे उस रिएक्शन के बाद क्या होगी, हीट निकलेगी, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जिनमें क्या होता है हीट रिक्वायर होती है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसके लिखा है, उसके लिए नीचे डेफिनेशन लिखी है रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होगी उन्हें एंडोथर्मिक। तो देखो हम कुछ रिएक्शन लिख रखे हैं, तो आपको देखिए कि इसमें कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। Mg plus O2, इसमें क्या बन रहा है, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में डेफिनेट ये करवाई थी रिएक्शन आपको, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो कैसे रिएक्ट होगा, उसके लिए हीट रिक्वायर होगी और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, तभी रिएक्शन हो रही है जब उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स इस रिएक्शन में क्या हो रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स लाइम लिया हमने चूना, उसको हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की, तो क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ पर साथ में क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई, तो ऐसी रिएक्शन इनमें क्या हो रहा है हीट, प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल रही है, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया, वो बहुत सिंपल है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट निकल रही है बाहर, तो वो एक्सोथर्मिक हो गई, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक हो गई। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर, ऐसे कहेंगे कि रेस्पिरेशन इज कंसीडर एज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन में आएगी, एंडो में आएगी कि एक्सो में आएगी। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, जो हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो फूड होता है, फूड से वो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, और फूड से ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज, एनर्जी बनती है बॉडी में, एनर्जी रिलीज होती है उससे, और हीट भी रिलीज होती है साथ में। वो हीट जो होती है किस फॉर्म में होती है, वो हीट आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, एनर्जी तो ATP के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन कंसीडर की जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बने उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, पर डिफरेंस क्या है बाकी सॉलिड्स इनमें, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं, कैसे होंगे, इनसोल्यूबल। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट बने जो कि वाटर में इनसोल्यूबल हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो क्वेश्चन ये भी पूछा है एग्जाम में कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आपको ये रिएक्शन लिख के बतानी है। तो रिएक्शन में क्या है, सोडियम कार्बोनेट दैट इज इन एक्वस फॉर्म, मीन्स सोडियम कार्बोनेट जो है, एक्वस का मतलब होगा एक्वा मीन्स वाटर, तो वाटर में डिजॉल्व सोडियम कार्बोनेट है,
वो कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट हो रहा है, वो भी किस फॉर्म में है, वो एक्वस फॉर्म में यानी वाटर में डिजोल्व है। जब ये आपस में रिएक्ट हुए तो इससे क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आपका नमक हो गया, पर कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हुआ वो कैसा है, इनसोल्युबल सॉलिड सॉलिड है, और कैसा है, इनसोल्युबल, या फिर हम इसको पीपीटी में लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, यानी प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें इनसोल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, दिस दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत ईजी था, आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई हर बार लगभग पूछा जाता है, किसी न किसी फॉर्म में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक का रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन क्या होता है, देखो समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें भी दो वर्ड जुड़ रहे हैं, एक रेड वर्ड है, दूसरा ऑक्स वर्ड है। रेड फॉर रिडक्शन होता है, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या हो, रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन हो, उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन यानी क्या होता है, रिडक्शन आपने वर्ड सुना होगा, रिड्यूस कर देना मींस उसमें से हटा लेना, निकल जाना, और ऑक्सीडेशन मींस उसमें से ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो आप ऑक्सीडेशन वर्ड को आप ऑक्सीजन से समझ सकते हैं, ओ फॉर ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीजन निकल रहा है वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने के लिए, ये आपको याद करने हैं, हमेशा ध्यान में रखने हैं, ताकि आपको ईजिली आप पहचान सको कि रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, कहाँ पर रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बोलेंगे हम उसको, ऑक्सीडेशन। अगर देखो इस रिएक्शन को हमें दो टर्म में समझना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसी में अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे जस्ट उल्टा करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में बात करेंगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, जस्ट उल्टा हाइड्रोजन के साथ होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो आपको समझ में आया होगा, इसको लर्न करना है बहुत सिंपल है। तो आप इस बात से याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑक्सीजन का हो तो वहां पर क्या होगा, अगर हाइड्रोजन के टर्म में बात करेंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। नीचे बात करें तो एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन। तो इस तरीके से हमें क्या है, ये पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है। अब देखो कुछ रिएक्शन दिए हैं मैंने, इसमें कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉपर ऑक्साइड लिखा हुआ है। तो ये कॉपर ऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पर ये देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूवल हो गया इसका। तो रिमूवल हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और लिख देता हूँ आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए इस वाले केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हाइड्रोजन में जाके यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो बोलेंगे हम, लिखेंगे हम यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल था, क्या था इसमें कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है।
और दूसरी रिएक्शन देखते हैं, अरे यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, देखिए बेटा यहाँ पर इस केस में क्या हुआ है, देखिए यहाँ H2S से केवल S बचा, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ लिख देता हूँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर H जुड़ गया है, यहाँ पर Cl में H नहीं था पर यहाँ पर H जुड़ गया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे रिडक्शन। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको पहचान में आए, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। नीचे देखते हैं, नीचे वाली रिएक्शन में यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर हट गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। फिर यहां पर देखिए यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, काफी इजी था, इसको आपको रिमेंबर करना है, लर्न करना है, सब कुछ करना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर रिएक्शन के। अब हमारी रिएक्शन का टाइप है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या होता है, आप लोगों ने आपके घरों में ये चीज़ हमेशा ऑब्जर्व होती है कि आपके घरों में जो खाना रखा रहता है कुछ समय बाद अपने आप उसमें स्मेल आने लग जाएगी। कुछ समय बाद मतलब लगभग एक दिन बाद, दो दिन बाद हम खाना जैसे ओपन में छोड़ दें, फ्रिज में नहीं रखें, तो क्या होता है, खाने में बैड स्मेल, गंदी सी बदबू आने लग जाना, टेस्ट उसका अजीब सा हो जाना, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो सारा कुछ इस रिएक्शन की ये इसमें रैंसिडिटी में है आता है। रैंसिडिटी क्या होती है कि आपके जो खाना होता है उस खाने के अंदर क्या होंगे, ऑयल्स तो होंगे ही होंगे, आपने देखा होगा सब्जी वगैरह में ऑयल्स होता है, किसी कम फॉर्म में होता है पर होता ज़रूर है, फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं और ऑयल भी प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, अपने आप ये ऑयल और फैट कुछ समय बाद रखे रहने पर इनमें रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये अभी मैंने बताई थी आपको। तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, ऑयल एंड फैट्स का होगा। ऑयल और फैट के रिडक्शन के वजह, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से ये बैड स्मेल और टेस्ट आपको नजर आएगा, इसी को हम कहते हैं रैंसिडिटी। रिएक्शन हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड ऑडर इज कॉल्ड रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी को रोकना भी ज़रूरी है, इससे काफ़ी बहुत लॉस होता है। अभी तो आपके घरों में बात हो रही है तो इतना बड़ा नहीं होता, पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर, ये बड़े बड़े लेवल पर फूड की प्रोसेसिंग की जाती है, तो वहाँ रैंसिडिटी को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके प्रिवेंशन के कई तरीके हैं, एक लिखा है मैंने एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारे को क्या करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने हैं, मतलब कुछ इस तरह के केमिकल्स वगैरह होते हैं, जैसे आप विनेगर डाल दो तो विनेगर से नहीं होगा, ठीक है, वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। एंटीऑक्सीडेंट में एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है आपका विटामिन सी, विटामिन सी ऐड करेंगे तो फूड ख़राब नहीं होगा। तो ये तरीके होते हैं कुछ रैंसिडिटी को अवॉइड करने के। दूसरा होता है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग में क्या होगा, देखिए बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, इनके लिए क्या इसेंशियल है, ऑक्सीजन इसेंशियल है। अब अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दें तो क्या होगा, वो चीज़ ख़राब होगी, नहीं होगी, क्योंकि उस रिएक्शन को होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम वैक्यूम पैकिंग में क्या करते हैं, हम एयर टाइट पैक कर देते हैं। तो आप देखते होंगे, आप काफ़ी सारे पैकेट्स लाते हो खाने के, जिसमें किसी में चिप्स होती हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं खाने की, तो वो कैसे होते हैं, वैक्यूम पैक होते हैं, तो वो ख़राब नहीं होते हैं। तो वैक्यूम पैकिंग भी एक तरीका है जिससे चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। एक थर्ड टाइप लिखा है मैंने
रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इसमें हम कुछ रेफ्रिजरेटर वगैरह ऐसी चीज जो होती है किसी कोल्ड प्लेस पर रख देना, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टॉप हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो उससे क्या होता है, ये भी एक तरीका हो गया रेंसिडिटी को अवॉइड करने का। इसके अलावा आप लेज वगैरह जो चिप्स वगैरह वो खूब खाते होंगे, लेज चिप्स वगैरह हम क्या करते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, वो भी क्या है, एक रेफ्रिजरेंट की तरह वर्क करती है, वो भी चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती है, तो इस तरीके से हम रेंसिडिटी को अवॉइड करते हैं। आई होप आपको रेंसिडिटी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर मैं चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं देखूँगा उन्हें और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, आपको कुछ जो आपको जो जितने जवाब दे सकता हूँ वो जवाब भी दूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।